गुड मॉर्निंग एवरी वन सर टूडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट एक्सरसाइज डाटस एक्सरसाइज एट पॉइंट थ्री ओके तो इसमें जो आइडेंटिटीज हमारी यूज होनी है इज साइन नाइन्टी डिग्री माइनस ए यानी कि साइन नाइन्टी डिग्री माइनस थीटा करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा कॉस थीटा अगर हम टेन में से नाइन्टी डिग्री माइनस थीठा करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा कॉट थीटा अगर सिकेंड में से नाइन्टी डिग्री माइनस ठीटा करते हैं तो क्या आएगा को सिकंड ठीटा ठीक है सिमिलरली अगर हम कॉस में से नाइन्टी डिग्री माइनस थीठा करेंगे वो आएगा साइन थीटा अगर कॉट में से करेंगे वो टेन थीटा अगर को सिकंड में से करेंगे वो सीकेंड थीटा यानी कि अगर आप एक तरफ की डेंटिटी याद कर लेते हो तो दूसरी तरफ की आइडेंटिटी उसकी बिल्कुल ऑपोजिट ही है ठीक है तो ये जो बेसिकली एक्सरसाइज है ये आपके सिलेबस में नहीं है ठीक है पर फिर भी हम करेंगे बिकॉज जो 8.4 है वो इसी के बिहाफ पे हमारी सॉल्व होगी ठीक है तो इसके मैंने फर्स्ट फाइव सम से ही आपको करवाने तो देखो एक्सरसाइज एट पॉइंट थ्री इवेलुएट साइन एटीन डिग्री कॉस सेवनटी टू डिग्री यहाँ पे साइन एटीन डिग्री है यहाँ पे कॉस सेवेंटी टू डिग्री है या तो आप दोनों टर्म्स को साइन में ले जाओ या तो आप दोनों टर्म्स को कॉज में ले जाओ ठीक है तो देखो इसको मैं यहाँ पर दोनों टर्म को कॉस में लेके जाऊँगी तो यहाँ पर हमारा है क्या साइन एटीन डिग्री है कॉस सेवनटी टू डिग्री है तो हमारा हम इसको कैसे लिख सकते हैं साइन नाइनटी डिग्री माइनस थीटा ठीक है theta, हमारा क्या होता? साइन आइडेंटिटी क्या होती है साइन नाइन्टी डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है अब नाइन्टी में से सेवेंटी टू माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा एटीन आएगा ठीक है तो हमने ये क्या लिखा साइन नाइन्टी डिग्री माइनस सेवेंटी टू डिग्री तो यहाँ पे थीटा क्या है मेरा सेवेंटी टू तो साइंस नाइन्टी डिग्री माइनस टीटा क्या होता है कॉस थीटा कॉज आट इस टीटा की जगह पे क्या आ जाएगा सेवेंटी टू तो कॉस सेवेंटी टू के साथ कॉस सेवेंटी टू कट हो गया और हमारा आंसर कितना आ गया वन आ गया ठीक है सिमिलरली जो फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट है डेट इज़ टेन ट्वेंटी सिक्स डिवाइडेड बाई कार्ड सिक्सटी फोर ठीक है तो टेन ट्वेंटी सिक्स ऐसे ही रहेगा cot सिक्सटी फोर को कैसे लिख सकते हैं देखो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप दोनों को टेन में कन्वर्ट करना चाहते हो या दोनों को cot में करना चाहते हो अगर मैंने इसको कॉट में करना था तो यहाँ पे मैंने कॉट 90 डिग्री माइनस 64 लिख देना था ठीक है तो चॉइसेस व्यूअर्स तो यहाँ पे हमने कॉट को tan में चेंज किया है तो वो कितना आ जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा तो 90 में से क्या माइनस करोगे 64 आए तो 90 26 होता है 64 तो कॉट का किस में कन्वर्ट हो जाएगा टेन में टेन एज एट इज़ टीटा की जगह पे क्या आ जाएगा ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स के साथ ट्वेंटी सिक्स कट गया हमारा आंसर कितना आ गया वन सिमिलरली कॉस फोर्टी एट डिग्री माइनस साइन फोर्टी टू डिग्री अब देखो यहाँ पे अगर हम नाइन्टी माइनस फोर्टी टू करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है फोर्टी एट आता है ठीक है तो या तो मैं साइन को कन्वर्ट करूँगी या तो कॉज को तो हमने यहाँ पे कॉस को साइन में कन्वर्ट किया है ये आ जाएगा नाइन्टी डिग्री माइनस फोर्टी टू डिग्री माइनस साइन फोर्टी टू डिग्री तो कॉस नाइन्टी डिग्री माइनस कितना होता है साइन थीटा डैट इज साइन फोर्टी टू डिग्री माइनस साइन फोर्टी टू डिग्री कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा ठीक है सिमिलरली कॉस फोर्टी एट डिग्री माइनस साइन फोर्टी टू डिग्री तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं अगर हम मैंने इसको ही देखो अगर यहाँ पे मैंने इसको कॉज को मतलब चेंज किया ना इसमें हमें साइन में तो सिमिलरली हमने यहाँ पे भी अगेन अगर हम चाहें तो हम कॉस फोर्टी एट ऐसे ही रहने दे सकते हैं ठीक है और साइन की जगह पे क्या लिख सकते हैं साइन नाइन्टी डिग्री माइनस फोर्टी एट डिग्री ठीक है तो कॉस फोर्टी एट डिग्री एज इट इज़ ये कितना आ जाएगा साइन का किस में कन्वर्ट होगा कॉस का तो ये कॉस फोर्टी एट डिग्री तो ये कितना जाएगा? आ जाएगा ज़ीरो आ जाएगा ठीक है सिमिलरली जो इसका लास्ट पार्ट है फर्स्ट सम का डैट इज को सिकेंड थर्टी वन डिग्री माइनस सेकेंड फिफ्टी नाइन डिग्री ठीक है तो इसमें हमने को सिकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट किया तो नाइन्टी डिग्री माइनस फिफ्टी नाइन डिग्री करोगे तो कितना आएगा थर्टी वन डिग्री ठीक है तो को सिकेंड का क्या आ जाएगा सेकेंड आ जाएगा और ठीटा की जगह पर क्या आ जाएगा फिफ्टी नाइन डिग्री तो सेकेंड फिफ्टी नाइन डिग्री माइनस सेकेंड फिफ्टी नाइन डिग्री कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है उसके बाद ये सेकेंड पार्ट है शो डट टेन फोटी एट डिग्री टेन ट्वेंटी थ्री डिग्री टेन फोर्टी टू डिग्री टेन सिक्सटी सेवन डिग्री अब देखो इसमें सारी की सारी टर्म टेन में तो किसको किसमें कन्वर्ट करेंगे ठीक है कि हमारा ये मतलब इसको सॉल्व करके कितना आंसर आना चाहिए वन आना चाहिए मीन लेफ्ट के इक्वल आना चाहिए राइट हैंड साइड के तो यहाँ पे टेन फोर्टी एट डिग्री इसको हम क्या लिखेंगे देखो सबसे तो पहले रिलेशन देखो यहाँ पर फोर्टी एट है यहाँ पे ट्वेंटी थ्री है यहाँ पे फोर्टी टू है यहाँ पे सिक्सटी सेवन है नाइन्टी माइनस टू करोगे फोर्टी एट आता है नाइन्टी माइनस सिक्सटी सेवन करोगे ट्वेंटी थ्री है

वन बाय टेन डिटा हमें पता है रेसिप्रोकल होता है तो यहाँ पे कॉट फोर्टी टू डिग्री की जगह पे क्या आ जाएगा वन बाई टेन फोर्टी टू डिग्री कौन सिक्सटी सेवन डिग्री की जगह पे क्या आ जाएगा वन बाय टेन सिक्सटी सेवन डिग्री तो टेन सिक्सटी सेवन टेन फोर्टी टू ये इसके साथ क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे ठीक है तो ये देखो ये कट हो गया तो हमारा आंसर कितना आ गया वन ठीक है सिमिलरली बच्चा जो सेकेंड का सेकेंड पार्ट है वो है कॉस थर्टी एट डिग्री कॉस फिफ्टी टू डिग्री साइन थर्टी एट डिग्री साइन फिफ्टी टू डिग्री इसमें तो पता ही है या तो को कन्वर्ट कर लो या तो साइन को कन्वर्ट कर लो ठीक है तो अगेन हम यहाँ पे कॉस को साइन में कन्वर्ट करते हैं साइन 90 डिग्री 52 कितना होता है 38 और sin 90 38 कितना होता है 52 तो 38 पे हम क्या लिखेंगे 90 52 यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 90 38 तो कॉस कितना होता है sin 90 52 कितना हमारा थीटा कितना आया 52 यहां पे थीटा कितना आया sin 38 तो sin 38 sin 52 sin 38 sin 38 फिफ्टी तो टू कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा ओके तो दिस इज अवर सेकेंड सम अभी जो थर्ड सम है टेन टू ए इज इक्वल टू कॉट ए माइनस एटीन डिग्री ठीक है वेयर टू ए इज एन एक्यूट एंगल तो आपको उन्होंने ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है ठीक है तो कंडीशन क्या दिया है टेन टू ए इज इक्वल टू कॉट ए माइनस एटीन डिग्री अब यहाँ पे टेन टू है ठीक है इसको हम कैसे लिख सकते हैं जैसे टेन थीटा होता है उसको हम लिख सकते हैं ना कॉट नाइन्टी डिग्री माइनस थीटा ठीक है तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं कॉट नाइन्टी डिग्री माइनस टू है इज इक्वल टू कॉट ए माइनस एटीन डिग्री कॉट के साथ कॉट कैंसिल हो गया नाइन्टी डिग्री माइनस टू है कि इसके इक्वल आ गया ए माइनस एटीन डिग्री के ठीक है नाइन्टी डिग्री ये माइनस का एटीन उधर जाके प्लस का एटीन नाइन्टी डिग्री प्लस एटीन कितना आ जाएगा वन हंड्रेड एट डिग्री ए प्लस टू ए कितना आ जाएगा थ्री ए ए इज इक्वल टू वन हंड्रेड एट थ्री कितना हमारा आंसर आ जाएगा थर्टी सिक्स आ जाएगा ठीक है सिमिलरली बच्चा जो फोर सम है उसमें क्या है टेन ए इज़ इक्वल टू कॉर्ट भी आपने ए प्लस बी नाइन्टी डिग्री प्रूव करना है तो यहाँ पे इसको कर दो इसको टेन ए को cot में कन्वर्ट कर दो ये कितना आ जाएगा cot नाइन्टी डिग्री माइनस है कॉर्ट के साथ cot कैंसिल हो जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा देखो टेन ए को क्या लिख सकते हो cot नाइन्टी डिग्री माइनस है इज इक्वल टू कार्ट भी कॉर्ट के साथ cot कैंसिल हो गया क्या है 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू बी तो 90 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा ए प्लस बी के तो आपकी कंडीशन क्या प्रूव होगी ए प्लस बी इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री सो दिस इज अवर फोर्थ सम ओके इसके बाद जो बच्चा फिफ्थ सम है दैट इज इफ सीकेंड फोर is इज इक्वल टू को सीकेंड ए माइनस ट्वेंटी डिग्री ठीक है देन है वियर फोर ए इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ठीक है तो इसमें सिंपल है बेटा कि हमने जैसे जो गिवन है वो उसको लिख लिया सिकेंड फोर ए इज इक्वल टू को सिकंड ए माइनस ट्वेंटी डिग्री सेकेंड को हम किस में कन्वर्ट कर सकें को सिकेंड में वो कितना आ जाएगा हमारा को सिकेंड नाइन्टी डिग्री माइनस फोर है क्योंकि को सिकेंड नाइन्टी डिग्री माइनस टीटा कितना होता है सिकेंड टीटा होता है तो अगर यहाँ पर टीटा फोर है तो यहाँ पर भी सिकेंड फोर ए आएगा तो कोई सिकेंड के साथ कोई सिकेंड कैंसिल हो गए ये नाइन्टी डिग्री माइनस फोर ए किसके इक्वल आ गया ए माइनस ट्वेंटी डिग्री के नाइन्टी प्लस ट्वेंटी वन हंड्रेड टेन डिग्री फोर ए प्लस ए फाइव ए ए का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू आ जाएगा ठीक है क्योंकि फाइव टू का टेन देन अगेन फाइव टू का टेन तो हमारा आंसर आ जाएगा ट्वेंटी टू सो दिस इज ऑल अबाउट अवर एक्सरसाइज एट पॉइंट थ्री ओके